मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है प्राथमिक विद्यालय पिपरौली सेकेंड की प्रधानाचार्य फरहान सरवर ने। फरहान ने अपनी मेहनत और लगन से प्राथमिक स्कूल की सूरत ही बदल दी। स्कूल के प्रिंसिपल फरहान ने अपने संसाधनों से तथा अपने ही पैसों से स्कूल में डेस्क बेंच की व्यवस्था की और सरकारी स्कूल को कॉन्वेंट का रूप दिया। इनके स्कूल में बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग भी करते हैं। 1 से 5 तक के स्कूल में यहाँ के स्टूडेंट वेल मेंटेन रहते हैं। प्रत्येक कमरे में अलग अलग कक्षाएं संचालित होती हैं। दीवारों पर ABCD से लेकर फ्लावर, कलर व सब्जियों के नाम, महीना और दिनों के नाम भी लिखे हुए हैं, जिससे बच्चे स्कूल में प्रवेश करते समय और घर जाते समय उसको याद करते रहते हैं। स्कूल में छात्राओं के लिए मिड डे मील के भोजन भी उपलब्ध हैं। स्कूल की प्रधानाचार्य कहती हैं कि बड़ी ही मेहनत से इस स्कूल को मुकाम तक पहुंचाया है। स्कूल में लगा हुआ टाइल्स ग्राम प्रधान ने दिया है, बाकी सब कुछ उन्होंने खुद की मदद से किया है। प्रिंसिपल फरहान सरवर का कहना है कि कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। मैंने स्कूल के बच्चों को समझा है, जाना है, उनकी गरीबी देखी है, उनके अरमान देखे हैं। उन्हीं अरमानों को पूरा करने के लिए मैंने थोड़ा प्रयास किया है। यहाँ के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों के साथ खड़े करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि 2013 में मैंने स्कूल के प्रधानाचार्य का कार्यभार ग्रहण किया था। उसी समय से मैंने ठान लिया कि स्कूल की कायाकल्प को बदलूंगी और अकेले मैंने इसकी तस्वीर बदलनी शुरू की। फरहान का कहना है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी प्रयास में मेरे स्कूल के स्टाफ ने भी मेरा साथ दिया, जिसमें शिक्षा मित्र शिव कन्या पांडे, पूनम सिंह, अंबिया खातून, सहायक अध्यापक राजनाथ अग्रहरी का विशेष सहयोग रहा। स्कूल के प्रधानाचार्य के प्रयासों को देखकर बस यही कहा जा सकता है कि रखता है जो हौसला आसमान को छूने का, नहीं होता परवाह उसे गिर जाने का। फिलहाल फरहान के प्रयासों ने स्कूल की कायाकल्प को बदल कर रख दिया है और स्कूल के छात्र और शिक्षक उन्हें प्रयासों से उत्साहित हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ के संवाददाता से बात करते हुए जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी BN सिंह ने स्कूल की सराहना करते हुए कहा कि वहां के प्राचार्य के प्रयासों ने स्कूल की सूरत बदल कर रख दी है, जो सराहनीय है। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए प्राथमिक विद्यालय पिपरौली सेकेंड की प्रधानाचार्य फरहान सरवर और BSC BN सिंह ने कहा, नहीं, एक तरीका हम तुमको बता रहे हैं कि हाथ कैसे धुला जाता है। नॉर्मल हम जाते हैं पानी से हाथ ऐसे धुल लेते हैं और फिर खाना खा लेते हैं, तो हम साबुन से धुल, खाना खाने के पहले हाथ को साबुन से धुले, हाथ को पहले गीला करें। वो धुलते ही स्कूल में साबुन लगाए ऐसे हाथ पे, फिर क्या करें हम दाहिने हाथ को बाएं हाथ और पीछे इसको ऐसे बने, ठीक, क्योंकि खाना हम खाते हैं तो यहाँ लगता है ना, और पीछे भी गंदा रहता है। फिर बाएं हाथ को दाहिने हाथ पे रख के ऐसे बने। अब देखो ये चारों उंगलियाँ हमारी साफ, बच गया हमारा अंगूठा, अंगूठा बचा ना, तो अब हम ऐसे अंगूठे को हम बने, अब फिर ऐसे हाथ हमारा धुला गया, लेकिन अभी नाखून बच गया, बचे हैं ना, नाखून में भी गंदगी थे और हमारी हाथ की रेखाएं हैं इसमें भी गंदगी, तो इसको ऐसे करेंगे और इसको
उसके बाद अच्छे बच्चे सब छोटी गेंद बड़ी गेंद सूर्य बैठा चंद्रमा कितना गिनती है सो तो याद है सुनाइए 43 42 43 सुनाइए तो चलिए बैठिए ठीक है ना भिन्न समस्या हो ना और पेड़ पौधों में क्या क्या है क्या क्या मिलता है मन फल मिलता है और सब्जियां मिलती हैं यहाँ पे 3 रसोईया हैं 180 बच्चों की संख्या है खाना अभी दाइयाँ खाना परोस रही हैं खाना तो मेन्यू के हिसाब से बनता होगा ना खाना मेन्यू के हिसाब से मेन्यू है बालकों का शौचालय है और यहाँ पे बालिकाओं का शौचालय है ये हमारे स्कूल का कक्षा 4 है बालक और बालिकाओं के दोनों के बैठने के अलग अलग बेंच की व्यवस्था है और ये मेरे विद्यालय का कक्षा 3 है और यहाँ आगे क्लास कम है यहाँ पे भी बच्चों को ऑरेंज ग्रीन और वाइट रेड का हिंदी क्या हुआ रेड का हिंदी लाल येलो का पीला व्हाइट का सफेद ब्लू का नीला ब्लैक का काला यहाँ फर्स्ट थर्ड फोर्थ
फिफ्थ सब में डेस्क और बेंच की व्यवस्था है। किसी की सहयोग से नहीं, ये खुद हमने अपने से ही किया है बच्चों के लिए। बाकी जो वॉल पेंटिंग है दीवार पे, वॉल पेंटिंग वगैरह का भी काम सब हम ही नहीं करवाया है। कितना बच्चे इस स्कूल में है, अगल बगल स्कूल वगैरह क्या वहाँ से ज़्यादा बच्चे आते हैं? नहीं, यहाँ बच्चों की संख्या बहुत अच्छी होती है और 2013 से हम यहाँ पे आए हैं और 2018 ये इतने दिनों में तो हमने देखा बच्चों के अंदर बहुत सुधार है, बहुत साफ़ सुथरे से, और बच्चों का पढ़ाई का लेवल भी बहुत अच्छा हो गया है। और यहाँ 180 की संख्या है और 140-145 बच्चे रोज़ आते हैं। मध्याह्न भोजन जो आप देती हैं सारे बच्चे पाते हैं? सारे बच्चे पाते हैं, मेन्यू के हिसाब से बनता है। किचन बनवाई है, टॉयलेट बनवाई है यहाँ पे, तो किस मत से बना है उसके बाद? किचन और टॉयलेट ये सब तो प्रधान जी ने ही बनवाया है। तो इंग्लिश की शिक्षा दी जाती है बच्चे? हाँ, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का लेवल आप जान सकते हैं, आपने देखा है कि इन बच्चों के हिसाब से मतलब ठीक ठाक चल रहा है। अभी और हम लोगों का प्रयास है कि और इससे बेहतर हो। कितने टीचर आपके पास मिले, कितने शिक्षा मिले? एक तो मैं हूँ प्रधान अध्यापक, एक सहायक अध्यापक है मेरे पास श्री राजनाथ अग्रहरी जी, और तीन शिक्षा मित्र हैं श्रीमती पूनम सिंह और श्रीमती सुकन्या पांडे और श्रीमती अंबिया। शिक्षकों से आपका पढ़ाई का कार्य हो जाता है? नहीं, पढ़ाई का कार्य उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना हम सोचते हैं। और अगर मेरे पास शिक्षक और बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिक्षक कम हैं, अगर उतने शिक्षक मिल जाएं तो पढ़ाई का लेवल और ऊंचा जाएगा। बच्चों को देख के ये लगता है कि हम इन्हीं बच्चों के लिए आए हैं, और जो कुछ है मेरे पास वो कुछ बच्चों को दे सकें। और देख हमेशा से लगता था कि मतलब इन गरीब बच्चों के लिए अगर सरकार ने हमको यहाँ अपॉइंट किया है तो हम पूरी अपनी निष्ठा से काम करें, और ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है तो बच्चों के ऊपर कुछ लगा के संतुष्टि मिलती है। सरकार को भी तो इस तरह का सहयोग देना चाहिए विद्यालय में। सरकार MDM की व्यवस्था तो सरकार की ही है, और धीमे धीमे पहले से अब तो ड्रेस के साथ स्वेटर भी अब मिलने लगा है, जूता मोज़ा भी मिलने लगा है। इसके पहले भी हम जूता मोज़ा वगैरह सब बच्चों को बांटते थे, लेकिन अब ये सब सरकार की व्यवस्था हो गई है। तो प्राथमिक विद्यालय पिपरौली सेकेंड जो है वो ग्राम प्रधान जी के सहयोग से और हमारे जो वहाँ के टीचर्स हेड मास्टर हैं उन्होंने अपने स्रोतों से उस विद्यालय के स्वरूप को ही बिल्कुल बदल दिया है। आप देखे होंगे बच्चे बिल्कुल स्मार्ट, जहाँ ग्राम प्रधान जी ने टाइल्स लगवाया विद्यालय में, वहीं हमारे प्रधानाध्यापक ने डेस्क बेंच और अन्य सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई, और सरकार की मंशा के अनुसार लोगों के सहयोग से हमारा बेसिक परिवार बेसिक के विद्यालयों का रूप बदल रहा है और बिल्कुल नए लुक में आ रहा है। ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं, पिपरौली सेकेंड है, वहीं बसडीला है, और हर ब्लॉक में विद्यालय हमारे अच्छे बन रहे हैं और रूप बदल रहा है। उसमें ग्राम सभाओं का विशेष सहयोग मिल रहा है। देखा जाए तो काफ़ी बच्चे भी वहाँ हैं, तो शिक्षा का स्तर भी काफ़ी सुधरा है, तो इस तरह का सोच क्या हर टीचर को होना चाहिए? लगभग हमारे हर टीचर अपना दे रहे हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ, और वो सहयोग भी कर रहे हैं और स्वयं अपने पॉकेट से भी लगा रहे हैं। चूँकि आज गोरखपुर में लगभग 35 ऐसे हमारे विद्यालय हैं प्राथमिक और अपर माध्यमिक जिसमें स्मार्ट क्लासेज चल रहे हैं, अपने स्रोतों से ही वो टाई देते रहे हैं, बेल्ट दे रहे हैं, परिचय पत्र दे रहे हैं, डेस्क बेंच भी बनवा रहे हैं, विद्यालय का बिल्कुल स्वरूप बदल रहे हैं। कॉन्वेंट स्कूलों में ज़्यादा फीस लगता है प्राथमिक में, तो बच्चों को फीस भी नहीं लगता, मिड डे मील में भोजन दे दिया जाता है। इस तरह देखा जाए तो बच्चों की संख्या क्या बढ़ रही है प्राथमिक? अब इस सत्र में 2019-20 में हमारे जनपद में लगभग 10,000 के आसपास संख्या बढ़ी है प्राथमिक की, PS और UPS मिला करके, और लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। उसमें आप हमारे टीचर्स
ग्राम पंचायत, सरकार, सरकार की मंशा के अनुसार सरकार स्वयं कार्य कर रही है। आपने देखा कि नगर क्षेत्र के सारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विधायक निधि से डेस्क और बेंच दिया है और नगर क्षेत्र के लगभग 25 विद्यालयों में स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा, नगर निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा। इसके इतर ग्राम सभाओं में भी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा या लोग गोंद लेकर के विद्यालयों का रूप बदल रहे हैं और 14वें वित्त से सरकार की जो एक मंशा है कायाकल्प योजना, उससे भी रूप बदल रहा है, कायाकल्प हो रहा है।